खबर दिल्ली से मिल रही है, जहां पश्चिम बिहार के होटल रेडिसन ब्लू में रॉयल आइकॉनिक अवार्ड ऑफ फैशन डिजाइनर रणवीर का आयोजन किया गया, जिसमें मॉडल्स ने जहां रैंप वॉक की तो वहीं फैशन इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को अवार्ड दिया गया। इसके साथ ही देश की राजधानी दिल्ली में लोगों को फिल्म अभिनेता राकेश बेदी का फैशन वॉक देखने को मिला, जिसके बाद उन्होंने एक्ट्रेस किश्वर मर्चेंट के साथ फैशन इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को अवार्ड भी दिए। दोनों स्टार गेस्ट के तौर पर यहां शामिल हुए। कार्यक्रम के फाउंडर सुभाष जिंदल, शो डायरेक्टर दीपिका गुप्ता और आयोजक अनीश गुप्ता ने बेहतरीन आयोजन में सहयोग के लिए सभी का धन्यवाद किया। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा पहला इवेंट है आईवा ड्रीम्स इवेंट्स के नाम से। मेरा नाम दीपिका गुप्ता, आई एम डायरेक्टर ऑफ दिस शो एंड माय हस्बैंड अनीश गुप्ता इज द ऑर्गेनाइजर एंड माय सेलिब्रिटीज आर देयर राकेश बेदी एंड किशोर मर्चेंट। थैंक यू सो मच फॉर इतना अच्छा इंटरव्यू लेने के लिए और मुझे दिखाने के लिए, मेरे फर्स्ट शो को इतना प्यार दे, सपोर्ट दिया सबने मिलके, थैंक यू सो मच। मेरे साथ अभिनेत्री किश्वर मर्चेंट हैं जो दिल्ली आई हुई हैं। किश्वर, आप दिल्ली आए, फैशन शो में कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ का माहौल काफी क्रेजी है, सो इट्स फन। अच्छा किश्वर, फैशन की बात करें तो अभी आपको कैसा लगता है कि फैशन की दुनिया किस ओर जा रही है और बॉलीवुड और टॉलीवुड किस साइड जा रहा है? आई थिंक फैशन इज गेटिंग जस्ट बेटर विथ प्रियंका चोपड़ा इन अमेरिका एंड आलिया भट्ट एंड दीपिका, ऑल ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ द बिग यू नो लग्जरी ब्रांड्स। आई थिंक इट्स डूइंग रियली वेल एंड बहुत एक्चुअली we've taken like a lot of steps ahead. किशोर, आखिरी सवाल, आप अब कौन से ऐसे रोल में दिखेंगी, कौन से नए प्रोजेक्ट आपके आने वाले हैं जो बता सकें? अभी फिलहाल तो कोई नहीं है, मैं ब्रेक पे हूँ, अभी 2-3 महीने की ब्रेक लूंगी और फिर काम वापस लीजिएगा। ये थी किश्वर मर्चेंट जो बता रही थी कि दिल्ली में फैशन शो में आई, उन्हें बहुत अच्छा लगा और निश्चित रूप से बॉलीवुड इस दिशा में आगे तरक्की कर रहा है। कैमरामैन अरब के साथ प्रशांत शर्मा, न्यूज इंडिया, दिल्ली।